न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीएम योगी ने फिर की अपील, अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए ना चले पैदल। अब तक 13 लाख लोगों की हो चुकी है वापसी, शीघ्र ही बाकी लोगों की भी होगी सुरक्षित और सम्मान वापसी। सरकार की है प्रतिबद्धता, हर पटरी व्यवसायी को उदार शर्तों पर 10,000 रुपए देगी योगी सरकार। गोरखपुर मंडल में बृहस्पतिवार तक 13 और शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से गोरखपुर मंडल में अब हुए 15 कोविड-19 पॉजिटिव केस। प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य महकमे के अफसर हुए अलर्ट। अब हुए गोरखपुर जिले में 10, महाराजगंज जिले में 4 और देवरिया में 1 कोविड-19 पॉजिटिव केस। गोरखनाथ क्षेत्र के रसुलपुर में मुंबई से आया युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन के 1 किलोमीटर एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए 3 किलोमीटर का एरिया किया सील। लोगों को सावधानी बरतने की दी हिदायत। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी के विजय पांड्यन ने लोगों से किया अपील, कहा बाहर से आने वाले लोगों की जिला प्रशासन को दी जानकारी, 14 दिनों तक करें होम क्वारंटाइन। मंडलायुक्त ने देवरिया जनपद के सीमा खरो पर बने स्क्रीनिंग प्वाइंट के निरीक्षण के साथ कोविड-19 के अब तक के कार्यों की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। एसडीएम सदर के निर्देश पर गोरखनाथ पुलिस ने कूट रचित फर्जी ई पास बनाने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, बरामद किए पास बनाने वाले उपकरण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निगरानी समिति कार्य एवं उत्तरदायित्व विषय जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला। निगरानी समिति के दायित्वों की दी गई जानकारी, डीएम ने कहा बाहरी व्यक्तियों पर रखे निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर चल रही 50 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से शुक्रवार को लगभग 60,000 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। सकुशल श्रमिकों ने घर वापसी पर योगी सरकार के प्रति जताया आभार। शासन के निर्देश से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है निशुल्क प्रति यूनिट 5 किलो चावल, प्रति परिवार 1 किलो चना। जिलाधिकारी ने कहा नहीं सोने पाएगा जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा, पूरी है व्यवस्था। शुक्रवार को नौसर चौराहे पर बने बैरियर का सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, बैरियर पर ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बृहस्पतिवार को देर रात धगसरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, रुपयों को छोड़कर जरूरी कागजात हुए खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गुरुवार को जिले के 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। साउथ क्षेत्र से 3 नॉर्थ क्षेत्र में बना 1 हॉटस्पॉट। एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा गांव में क्वारंटाइन हुए बाहर से आए व्यक्तियों की पुलिस कर रही है निगरानी, बाहर घूमने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए निजी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को किया गया प्रशिक्षित, मरीज से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव की दी गई जानकारी। शुक्रवार को महेवा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा सीसीटीवी के जरिए सोशल डिस्टेंस को बनाया जाएगा और प्रभावी। और लॉकडाउन के 3rd चरण में शुक्रवार को भी महानगर में दिखा चहल पहल। एडीएम सिटी ने लोगों से की अपील, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें।